हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, नॉलेज एंड करिकुलम। ये जून 2017 में हुए थे, लास्ट ईयर। पेपर फर्स्ट है, 3 घंटे का ये आपको टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए कंप्लीट। और जो मिनिमम मार्क्स हैं इसके 80 मार्क्स का है ये। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जो आपने ये वीडियो स्टार्ट कर रखी है, अगर ये आपको क्लियर नहीं दिखती है तो आपको क्या करना है, जो वीडियो अभी आपने ओपन कर रखी है इसके ऊपर कोने में 3 डॉट आपको दिखाई देंगे। उन डॉट्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीचे कुछ ऑप्शन शो होंगे। उन ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा आपको वीडियो क्वालिटी का, आप अपने वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिए। और जैसे ही आप अपने वीडियो की क्वालिटी को हाई करेंगे आपको क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे, और फिर आप इजीली इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ ये सिर्फ मेरे चैनल के लिए अप्लाई नहीं होती है, इन क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं होती है, बल्कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं अपलोड कर रखी है जिसने भी, सब पे ये अप्लाई होता है। जब आप वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लेते हो, आप मूवी देखते हो, वीडियो वगैरह कुछ भी देखते हो, तो आपको वो सारे के सारे वीडियो थोड़े से HD में दिखाई देंगे, जितनी भी उनकी क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू आपके नेट है या फिर सेटिंग है जो भी है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करके आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबके लिए कंपल्सरी है, एंड देन नेक्स्ट 4 यूनिट हैं उनमें आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है इसका कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संप्रत्यय, मेन फीचर ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषताएँ। नेक्स्ट 3rd है बेस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के आधार। नेक्स्ट 4th है फैक्टर इफेक्टिंग करिकुलम चेंज, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी आपका करिकुलम है उसको कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं चेंजेस करने में, वो आपको बताने हैं इसमें। नेक्स्ट है फर्स्ट यूनिट का, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको करके सिर्फ एक आना है। व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्यूरिंग नॉलेज। ज्ञान वैज्ञानिक क्या है, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या करनी है। एक ज्ञान होता है जो हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में या बुक से प्राप्त करते हैं, लेकिन एक ज्ञानी होता है जो जिनके पास ज्ञान होता है, लाइक टीचर, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, जो भी जिनके जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उन दोनों के बारे में आपको बताना है, और ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको आपको बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन में डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इज एसिमुलेशन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। 16 मार्क का क्वेश्चन है, सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, इसमें भी आपको ऑप्शन है 16 मार्क का, 1 क्वेश्चन करके आना है आपको। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ आइडलिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडलिज्म। आदर्शवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, आदर्शवाद के शैक्षिक निहितार्थों ही मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कि विवेचना कीजिए। जो आइडलिज्म है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बतानी है, और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडलिज्म, मतलब एजुकेशन में आइडलिज्म कहाँ तक सक्सेसफुल है, इसको इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं आइडलिज्म को लेकर शिक्षा में, वो आपको बताने हैं। एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ
नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए। ज्ञान और संबंध मतलब नॉलेज एंड रिलेशनशिप, इसमें मूर्त अमूर्त की आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, 16 मार्क के क्वेश्चन 2 गिवन है, बट आपको करके सिर्फ एक आना है। डिस्क्राइब द करिकुलम प्रोसेस एंड क्रिटिकल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी इन डिटेल, पाठ्यक्रम प्रक्रिया की परिभाषित कीजिए और पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम का वर्णन कीजिए। करिकुलम जो प्रोसेस है उसको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, परिभाषा देनी है उसकी, और पाठ्यक्रम के जो करिकुलम के सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं उनकी किस किस ने आलोचना कर रखी है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है ऑप्शन में क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है करिकुलम एज प्रोडक्ट, पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में। नेक्स्ट है करिकुलम एज प्रोसेस, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप में। फर्स्ट आपको बताना है कि ये जो करिकुलम है वो एक प्रोडक्ट के रूप में कैसे है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है जो करिकुलम है उसकी प्रोसेसिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी है इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के लिए जरूरी तत्वों की व्याख्या कीजिए। ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन। सेकंड है प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, अनुशासन केंद्रित डिज़ाइन और समस्या केंद्रित डिज़ाइन। इन दोनों में पहले डिसिप्लिन का आपको बताना है, फिर इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आपको बतानी है। दोनों 88 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं, टोटल हो गए 16 मार्क्स। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन पेपर नॉलेज एंड करिकुलम जून 2017 का है। मैंने आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चंस बता दिए कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे। अब आपको इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं कैसे, आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। इनसे हमें एक तो ये आइडिया मिलता है कि एक पैटर्न क्या है, कि कैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमें उनकी तैयारी किस हिसाब से करनी है। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है उसको टुकड़ों में डाल बना के सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे 4-4 मार्क्स की, हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ 4 मार्क्स में आएगा, ये 16 मार्क्स में नहीं आएगा तो हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये होता क्या है कि ये 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक 16 मार्क का क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जैसे अच्छे से नोट्स बनाइए उसके और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। देन लास्ट में मैं ये कहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ या फिर क्वेश्चन पेपर डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।